चीनू जिले में बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष 105 दिनों से संयुक्त तो मोर्चा किसान के आह्वान पर समर्थन में चल रहा धरना प्रदर्शन कोविड-19 सुरक्षा को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। आज बुराई में अच्छाई के प्रतीक रंगों के त्यौहार होली के सुअवसर पर तीनों बिलों की प्रतीकात्मक होली जलाकर आंदोलन में शहीद 118 किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आंदोलनकारियों की ओर से अधिकृत मीडिया प्रभारी राजेश पटेल ने बताया कि अगले चरण में गांव-गांव पंचायतें विधायक सांसद और भाजपा कार्यालयों में हजारों किसानों के साथ ताला लगाकर गिरफ्तारी दी जाएगी। साथ ही संयुक्त मोर्चा दिल्ली आह्वान का जो भी आह्वान होगा उसका पालन किया जाएगा। लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। सिवनी से महबूब अंसारी की रिपोर्ट। वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून की होली जलाओ, होली जलाओ, होली जलाओ, काले कानून की होली जलाओ, होली जलाओ, होली जलाओ, काले कानून की होली जलाओ, होली जलाओ, होली जलाओ, मोदी साहब के इरादों को खत्म करो, मोदी साहब के इरादों को चलो, उनके इरादों को सुहा करो, काले कानून स्वाहा, काले कानून स्वाहा, काले कानून स्वाहा, दूसरा कानून ने बोला था कि पूरे देश में होली जलाई जाएगी और होली को बुराई का प्रतीक मानते हैं और हम सभी किसान लोग ये काले कानूनों को सभी बुराइयों की जड़ मानते हैं। ये मोदी सरकार अपनी धर्मिता से काले कानूनों को वापस नहीं ले रही है, इसीलिए हमने इन तीनों काले कानूनों को यहाँ जलाकर स्वाहा स्वाहा किया, काले कानूनों को जलाकर स्वाहा कर दिया। यहाँ पे हमारे किसानों ने पूरे जगह, हमने जगह जगह जाकर सिवनी जिले में भी बोला है कि हमारे जो किसान नेता दिल्ली में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।